हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। मूड, मूड है तो एक छोटा सा शब्द लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे पूरे दिन को डिसाइड करने में। एक छोटी सी बात, छोटा सा शब्द, छोटी सी एक्टिविटी मूड को स्पॉइल कर सकती है। बट सिमिलरली एक छोटी सी बात, छोटा सा शब्द या छोटी सी एक्टिविटी हमारे मूड को रिवाइव भी कर सकती है। और मैं बस वही कर रही हूँ। बेडशीट बदलना मेरे मूड को रिवाइव करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे जब कभी अच्छा नहीं फील होता तो मैं सबसे पहले अपने रूम का बेडशीट बदल देती हूँ। यस, जो कुछ भी मैस हो रखा है, फैला हुआ है, वो भी मैं ठीक कर देती हूँ। और थोड़ा बहुत आप पीछे देख सकते हो, अरोमा डिफ्यूज़र मैंने चला दिया है, थोड़ी बहुत खुशबू आने लगती है ना, मैं ऐसा फील करती हूँ कि मुझे अंदरूनी तौर पे थोड़ी सी शांति सी मिलने लगती है। आई ब्रीथ डीपर, आई फील लाइटर। तो जब भी मूड अच्छा नहीं है, मैं सबसे पहले अपने बिस्तर का जो बेडशीट है वो बदल देती हूँ। एंड आई फॉलो वन रूल, सारे ही ब्लूज़, ग्रे, ग्रीन्स एंड वाइट्स, ब्लूज़, ग्रीन्स एंड वाइट्स एक कैटेगरी में, सारे ही रेड्स, येलोज एंड ब्लैक्स और इन सब के ह्यूज एक कैटेगरी में। तो अगर मैंने आज रेड, ब्लैक, येलो कैटेगरी का कोई बेडशीट बदला लगाया हुआ है, जब मैं उसे बदलूँगी आई विल मेक श्योर कि मैं अभी दूसरे ग्रुप का बेडशीट लगाऊँ। दैट वे एकदम से ही चेंज तो वो होता ही है बट फील भी होता है, एकदम बदला बदला लगता है। कलर हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, कलर हमारे मूड के लिए। अभी आपको पता है कि हर दिन के हिसाब से भी कलर्स होते हैं, तो कलर्स लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। दिन के हिसाब से शुभ कलर्स भी होते हैं, हमारे जन्म के हिसाब से, अंक के हिसाब से, राशि के हिसाब से भी शुभ कलर होते हैं। तो कलर्स पे हमेशा अटेंशन पे कीजिए। जो कपड़े मैंने निकाले थे वो सब धुलने में डाल दिए हैं और इसके बाद शर्मा जी और मैं आए हैं बाहर कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए। एंड बरोडियंस, अलकापुर में ये पैनोरमा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप है। यहाँ पे वाला जो आप देख रहे हो ना, जय कलेक्शन, ये स्टेशनरी पे आपको हर तरह का स्टेशनरी मिलेगा। हम लोग यूजुअली यहीं से लेकर आते हैं, राइट फ्रॉम बच्चों का आर्ट एंड क्राफ्ट, स्कूल का स्टेशनरी टू प्रिंटर का इंक एंड ऑल। तो आपको अगर इलैबोरेटेड स्टेशनरी चाहिए तो ट्राई दिस प्लेस, आपको शायद जो सामान आप ढूंढते हो ईजिली मिल जाएगा। और इसके बाद घर लौटते समय थोड़ा नारियल पानी पापा के लिए। यहाँ चाय बन रही है, साथ ही साथ ये थोड़ा सा मुरमुरे और पीनट्स मैंने रोस्ट कर लिए हैं। जब हमको ऐसा लगता है कि अभी हमें बैठ के थोड़ी देर बातें करनी है तो इस तरह का कुछ ना कुछ हम लोग ज़रूर से तैयार कर लेते हैं, सो दैट इसको खाते पीते बातें की जा सकें। बहुत दिन हुए हम सभी लोग थोड़ा सा साथ में बैठ के उस हिसाब से टाइम स्पेंड नहीं किया। लाइफ की दौड़ भाग में सभी लोग बिजी हैं और आपको पता भी है पिछले कुछ हफ्तों हमारे घर के हालात कैसे रहे। तो अभी भगवान की कृपा है, आप लोग के आशीर्वाद है, सब अच्छा है, बस हम लोग साथ बैठ कर चाय पी रहे। सानवी खुशी अंदर बैठे हुए हैं, अब वो लेके जा चुके हैं और हम चारों यहाँ पे अपना चाय नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं, बेसिकली बातें एंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह कलर एक थेरेपी है उसी तरह लाफ्टर भी एक थेरेपी है। दिन में ज़रूर थोड़ा वक्त निकालिए जब आप दिल खोलकर हंस सके,
आप देखिएगा आपके मूड पर इसका इंस्टेंट असर होता है। और यहाँ पर ये जो मुरमुरे हैं वो पापा नहीं खाते हैं, तो मम्मी मुरमुरे खाने के बाद पापा को पीनट्स दे रहे हैं, क्योंकि वो पीनट्स खा लेंगे, वो इंजॉय करते हैं पीनट्स। मुरमुरे चावल के बने होते हैं। अभी हम बहुत ही स्ट्रिक्टली परहेज मोड में हैं पापा के लिए, और उनकी तबीयत पहले से बहुत अच्छी है, हंड्रेड्स में आ गई है उनकी शुगर, विच इज़ क्वाइट रेगुलेटेड। आज मैं बनाने लगी हूँ लेंटिल सूप, बेसिकली पापा के लिए ही बन रहा है, बट ज़्यादा बनाऊंगी मैं सो दैट हम सब भी ले सकें। इट इज़ क्वाइट हेल्दी, आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मर्जी की आप दालें डाल सकते हो। मैंने यहाँ छिलका वाला मूंग लिया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है हेल्थ के हिसाब से, और थोड़ा सा मसूर डाला है मैंने इसमें। दालों को अच्छी तरह से धो लिया है, आप चाहें तो भिगो के भी रख सकते हो, मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मैंने नहीं भिगोया। अब मैं इसमें ना 2 प्याज काट के डाल दूंगी और 3-1 टमाटर काट के डाल दूंगी। अब हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, वो सब आपकी मर्ज़ी है, आप वो डालना चाहें तो डालिएगा, ना डालना चाहें तो मत डालिएगा। एंड यस, इसमें ना धनिया की जो डंडियाँ होती है ना वो भी डाली जा सकती है। मैं सिर्फ यहाँ पे टमाटर प्याज वगैरह डालकर इसको, जो दाल है जैसे नॉर्मली दाल उबालते हैं उस तरह, इसमें थोड़ा सा पानी, नमक, हल्दी डालकर इसको बॉईल करने रख देंगे, तब तक जब तक दाल सॉफ्ट हो जाए। अगर आपने दाल पहले से सूख किया है तो 1 से 2 विसल में सॉफ्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पर 2 चम्मच, छोटा चम्मच ही है बट थोड़ा ज़्यादा जीरा डाल रही हूँ, और मैंने इसको 3-4 सीटियाँ लगाई थी पैरेलली, क्योंकि ये सूप है इसमें चाहिए होगा काली मिर्च। सूप में लाल मिर्ची नहीं डालते हैं, ज़्यादातर सूप्स में नहीं जाती लाल मिर्ची, काली मिर्ची डलती है। मेरा काली मिर्ची का स्टॉक हो गया था ख़त्म, तो मैंने फटाफट से थोड़ी सी काली मिर्चियाँ पीस ली हैं, और ये मैं भर के रख दूँगी मेरे स्प्रिंकलर में भी और मसालादानी के डब्बे में भी। और जब आपकी दाल का प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाए तो लिड खोलिएगा, इसके बाद इसे स्टर दे दीजिएगा। ये दाल काफ़ी गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा पानी डालकर दाल को कभी नहीं उबालना चाहिए, अदरवाइज़ फिर वो कुकर में से स्पिलेज होने लगता है और छिलके विलके कुकर की सीटी वगैरह में फंस सकते हैं, तो बाद में एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए सिर्फ उतना जितने में दाल पक जाए इतना पानी डालिए, हमेशा 1 कटोरी दाल के सामने 3 कटोरी पानी जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बहरहाल सूप पे वापस आते हैं, ये काफ़ी गाढ़ा है सूप के हिसाब से, तो मैंने अभी इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया है सो दैट ये जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि हमको इसको पीसना है, पानी आगे भी इसमें मिलाया जा सकता है। हमेशा थोड़ा रूम टेम्परेचर आ जाए मिक्सचर, तभी उसे पीसिए, अदरवाइज स्टीम की वजह से ढक्कन खुल जाने के चांसेस रहते हैं। ये थोड़ा अभी गर्म ही है बट मैं ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर कैप जैसे है, ये हटा हटा के इसको पीस लूँगी, और बारीक इसको पीस लीजिए, इसको छानने की ज़रूरत नहीं है अनलाइक अदर सूप्स, क्योंकि मैंने जानबूझ के छिलके वाला मूंग दाल लिया है, छानेंगे तो उसके छिलके भी छन जाएंगे, दैट आई डोंट वॉन्ट। थोड़ा बिल्कुल नन्ना सा ऑयल लेकर छोटा सा बटर डाला है मैंने और हींग डाला है, और उसके बाद ये दाल जो आपने पीस कर रखा है वो ऐड कर दीजिए। अब इस स्टेज पे ना यहाँ चेक करने वाली सिर्फ 2 बातें हैं, एक है नमक और एक है कंसिस्टेंसी, तो आप थोड़ा सा आपके हिसाब से देख लीजिएगा, आपको गाढ़ा लग रहा है तो पतला कर लीजिए, नमक वगैरह चेक कर लीजिए। थोड़ी सी काली मिर्ची मैं यहाँ डाल रही हूँ, अगर आपने हरी मिर्ची भी डाली है तो काली मिर्ची या तो डालें ही नहीं या तो फिर थोड़ा सा ध्यान से डालिए, सूप्स तीखा फील नहीं करते हैं, वो थोड़े माइल्ड ही रहते हैं, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा। और इस वाले सूप में चीनी वीनी भी नहीं डाल दी जाती है, हाँ आप बाद में चाहें तो थोड़ा नींबू डाल सकते हैं आपके बोल में, और अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। नमक पानी मैंने एडजस्ट कर लिया, मुझे इससे पतला सूप नहीं चाहिए और पानी नहीं डाल रही हूँ मैं, इसको एक उबाल आने दीजिए। जब इसको एक बॉयल आ जाएगा आप देखोगे ऊपर ढेर सारा झाग आ चुका होगा, ये झाग ज़रूर रिमूव कीजिए, इसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ जस्ट नॉट गुड फॉर आर हेल्थ, फॉर आर बोन्स स्पेशली, जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये सारा का सारा झाग ऊपर से आप हटा दीजिए, दाल को 1-2 बॉयल ले लीजिए और बस आपका सूप हो गया तैयार। ये आपको चाहे रेसिपी कैसी भी लग रही हो, सिंपल लग रही हो, देखने में ये कैसा भी लग रहा हो, पर आप इसे ट्राई कीजिएगा, ये पीने में बहुत अच्छा लगता है, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है, एक बार आप ट्राई करोगे आप ये बार बार रिपीटेडली बनाना चाहेंगे। बस सूप हो गया रेडी, इसे सर्व कर लेते हैं।
एंड आई वॉज प्लानिंग कि ये जो बेडशीट है, देखिए ये जो बेडशीट है ना, बाहर से फोल्ड करके लाई थी, धोई थी ये, तो मैं इनको रखने लगी तो मैंने देखा वहाँ पे कुछ भी ठीक से रखा हुआ नहीं है, इन बेडशीट को रखने की भी जगह नहीं दिख रही है। आई थॉट थोड़ा वक्त लगेगा, ये सब अरेंज करके रख देती हूँ, जब आप चीज़ें अरेंज कर देते हो, ऑर्गेनाइज़ कर देते हो, समाव एकदम ही स्पेस भी दिखने लगता है। मैं आपके साथ वो ट्रिक आज शेयर कर रही हूँ जो मैं यूजुअली फॉलो करती हूँ जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, अदरवाइज़ जब टाइम नहीं होता तो मैं बस बाहर से फोल्ड करके लाती हूँ और इस तरह अंदर भर देती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपकी बेडशीट को सॉर्ट करके रखने का। बेडशीट और पिलो कवर में से एक पिलो कवर को आप फोल्ड कर दीजिए और ये सारा का सारा मामला दूसरे पिलो कवर के अंदर इस तरह, जिस तरह मैं कर रही हूँ, प्लेस कर दीजिए। ऐसा करने से आपको आपकी बेडशीट जो है ना वो अच्छी तरह फोल्डेड भी मिलेगी, सारी चीज़ें एक साथ भी मिलेंगी, और क्योंकि काफ़ी बड़ी ये फोल्ड हो गई है तो आपको ढूंढने में भी आसानी होगी। छोटा छोटा हम फोल्ड कर देते हैं तो कभी कभी जो छोटी फोल्डेड चीज़ें हैं ना वो कहीं इधर उधर लुढ़क जाती हैं और फिर वो दिखती नहीं है, या तो फिर पाइल के पीछे छुप जाती हैं। तो ये हम लोगों ने पतली सी और बड़ी सी फोल्ड की है तो ये आराम से दिखेगा। अभी मैं आपको सिर्फ टेक्निक दिखा रही हूँ कि कैसे फोल्ड करना है, बाद में ये अच्छी तरह फोल्ड करने के बाद, स्टैक करने के बाद कितनी अच्छी दिख रही है और कितनी ईजी टू चूज़ फ्रॉम हो जाएगा, ये स्टैक भी बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल हो जाएगा, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अरे ये बेडशीट मैंने फोल्ड कर ली है, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं बेडशीट, और सारे मुझे अभी समझ भी आ रहे हैं कि कौन सा वाला बेडशीट कहाँ रखा है। एंड मज़े की बात ये है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ खींचनी है, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, और ऊपर यहाँ पर ये सभी स्पेयर कर्टन्स हैं, कुछ एक बेडशीट मैंने ऊपर भी रख दिए हैं। एंड जस्ट गॉट डन विद माई फेशियल हेयर रिमूवल। मैं बेसिकली ये तरीका हमेशा नहीं आजमाती हूँ, अभी एज आई टोल्ड यू मुझे PCOD है तो उसकी वजह से ऑल ऑफ यू नो कि थोड़ा वेट गेन होना और फेशियल हेयर, अनवांटेड हेयर का ग्रोथ ज़्यादा होना इज़ कॉमन सिम्टम, तो मुझे थोड़ा सा इस एरिया में आई एम फीलिंग कि पहले नहीं होता था, अभी मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने लगा है मेरा। इनफैक्ट जो ये एरिया ना अपर लिप, ये भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, मैं 3-3, 4-4 महीने भी अपर लिप नहीं करती हूँ, आईब्रोज नहीं बनाती हूँ, तो भी ये बहुत ज़्यादा बुशी या ये एरिया बहुत प्रोमिनेंट नहीं दिखता है। और आईब्रोज तो मैं बनाती ही नहीं, आई टेल यू, मैं सिर्फ थोड़ा सा ऊपर से ट्रिम कर लेती हूँ और बाल एक भी नहीं निकालती। मेरे आईब्रोज पहले बहुत बुशी होते थे, अब पता नहीं क्यों कम होते जा रहे हैं, इधर हेयर इंक्रीज़ हो रहे हैं और इधर हेयर डिक्रीज़ हो रहे हैं समहाउ। एंड एज आई टोल्ड यू, अपर लिप भी मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। ये जो मेथड है, जो ये बीन्स मैं, जो वैक्सिंग बीन्स से मैं रिमूव करती हूँ हेयर, ये मैं 3-4 मंथ में एक बार करती हूँ, अदरवाइज आई जस्ट प्लग देम। मेरे पास एक एपिलेटर भी है बट आई डोंट यूज़ इट, उससे बहुत ज़्यादा दर्द जैसा फील होता है, तो वो मैं पहले कभी कभी यूज़ करती थी बट उससे है ना थोड़ा दर्द वर्द होता है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई लाइक दिस थिंग, इससे मेरा ग्रोथ, जब वेन एवर यू पुल योर हेयर तो उसका ग्रोथ रिटार्ड हो जाता है एंड देन बहुत वक्त में और कम बाल आते हैं, दैट इज़ आई एम नोटिसिंग बिकॉज ऑफ माई हार्मोनल इम्बैलेंस, उसकी वजह से जो हेयर का हो रहा है वो एक अलग बात है, बट आई एम नोटिसिंग कि बहुत ज़्यादा उतना नहीं होता है। मैं जो अभी बाल दिख रहे हैं फिर उसको मैं रिमूव कर दूँगी तो नेक्स्ट टाइम आई ऑब्जर्व कि थोड़ा सा कम हुआ है और थोड़ा सा फेस भी क्लीन लगने लगता है, अभी रेड लग रहा है बट ये सबसाइड हो जाएगा सुबह तक, रैशेज वगैरह भी नहीं आते हैं। जब मैं
मैं एपिलेट करती हूँ तो रैशेज आते हैं, एंड ये जो रेडनेस है ना, मैं इसके ऊपर ये वाला एलो आइस लगा देती हूँ तो इससे एकदम ठंडा हो जाता है। बर्न वर्न पे भी ये काम करता है। एज एन आप अगर अपर लिप थ्रेडिंग वगैरह करते हो, वो जो रैशेज आ जाते हैं, रेडनेस भी जो हो जाती है ना, वो यू नो स्लाइट टिंगलिंग बर्निंग सेंसेशन होती है, तो उस पर भी आप ये लगा सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी इन केस यू आर इंटरेस्टेड। तो मैं ये लगा लेती हूँ, ठीक हो जाता है। एंड एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी मेरे एक्सपीरियंस से, आपको जब भी आपके फेस पे कुछ करना है ना, रात को कीजिए, अगले दिन छुट्टी हो ऐसा देख कर कीजिए। अभी तो खैर हम लोग बहुत ज़्यादा बार बार जाते नहीं हैं, बट स्टिल अभी मैंने रात में किया, अभी मैं सो जाऊँगी, सुबह तक कुछ पता भी नहीं चलेगा मैंने कुछ किया है कि नहीं। एंड दैट वेज आप अगले हफ्ते के लिए एकदम ही तैयार होंगे। एंड येस, वीडियो में ये सब दिखाने या बताने से मेरा कतई ये मतलब नहीं है कि आप लोग भी ये करो। इट्स जस्ट द थिंग दैट आई डू इट। मैं बहुत सारी चीज़ें आजमा चुकी हूँ, मुझे समहाउ ये ठीक लगता है। एज आई टोल्ड यू ना, मैंने देखिए अपने फेस पे रेज़र कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, समहाउ आई डोंट ट्रस्ट इट। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे होगा नहीं, और अगर होगा भी तो वो मुझे शायद उतना पसंद नहीं आएगा। और मैं सिर्फ इक्का दुक्का बाल दिखते रहते हैं, तो आई जस्ट प्लग देम, आई डोंट इवन थ्रेड। मुझे थ्रेडिंग करना नहीं आता, तो आई जस्ट प्लग इट। और जब मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही पीच फज जैसा हो गया है, सिंस आई हैव अ फेयर स्किन, तो मेरे जो हेयर है वो पीच फज जैसा जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा दिखता है। और कोई कोई हेयर अगर डार्क है तो वो भी बहुत ज़्यादा दिखता है, तो आई एम कॉन्स्टेंटली रिमूविंग देम, बट आई जस्ट प्लग देम एंड दैट वर्क्स फॉर मी फॉर मंथ्स। एंड आफ्टर एवरी 3-4 months आई जस्ट रिमूव हेयर दैट वे। दिस थिंग वर्क्स फॉर मी। तो आप अगर करना चाहते हो तो एक बार ट्रायल के हिसाब से कीजिए, इफ़ इट सूट्स यू देन उसको फिर लॉन्ग रन में परस्यू कीजिए। एंड टुमारो इज़ अ फ्रेश डे, संडे इट इज़, वी आर प्लानिंग समथिंग, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। बहुत दिन हुए हम लोग बाहर नहीं गए हैं, तो मम्मी भी बोल रही थी कि देखते हैं बाहर जा पाएंगे, तो उसका अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ। बट हाँ, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि मेरा जो ये बाथरूम वाला वॉल है ना, आपने देखा होगा ये रूम, इस पे से परत जैसी निकल रही है, यू विल डू वॉलपेपर हियर। मेरे पास वॉलपेपर रखा हुआ है, जो बाहर जो आपने मेरा टीवी यूनिट देखा है ना, उसमें जो वॉलपेपर है वही वाला रखा हुआ है। मैंने 4 रोल मंगाए थे उस वक्त, पता नहीं किस कैलकुलेशन के हिसाब से, तो 2 अभी मेरे पास पूरे पूरे रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ लगा दूँगी सो दैट ये अच्छा लगे। आज शर्मा जी शाम को बहुत लेट आए थे फैक्ट्री से, तो उसके बाद फिर टाइम वाइम नहीं बचा था, हम लोग बाहर भी चले गए थे पापा के लिए बेसिकली नारियल पानी लाने के लिए। तो कल होगा टाइम, तो कल विल डू दिस। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड अहेड।